गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने बात की थी कि डीएनए रिपेयर डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म्स के बारे में। उसमें अपन ने स्टार्ट कर लिया था डीएनए डैमेज किस तरह से होता है, डैमेज क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। यानी जो म्यूटेशन होगा उसको वापस से रिकवर नहीं किया जा सकता, डैमेज को जो रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं उसके द्वारा रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अपन ने थोड़ा बहुत कुछ देख लिया था डैमेज कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे डैमेज हो गया था, डैमेज के बाद में अपन डैमेज और कौन कौन से टाइप का होता है, डैमेज के टाइप्स पढ़ रहे थे अपन। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने ये देखा था कि डैमेज और म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है। यानी जिसके लिए म्यूटेशन होता है वो क्या होता है कि उसको वापस से क्या नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन डैमेज को क्या किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। यानी इज करेक्टली रिपेयर्ड और इट इज नॉट रिपेयर्ड, यानी ये इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे, अपन ने म्यूटेशन और उसके बारे में डिफरेंस देख लिया था कि म्यूटेशन और डैमेज में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अपन टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज की बात की थी। तो टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज देखोगे तो सबसे पहला टाइप्स है, जैसे बात करें बहुत सारे टाइप्स हैं इनको, और बहुत टाइप से डिवाइड भी किया जा सकता है। बहुत टाइप से इनको क्या किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है, और बहुत टाइप के ये डिवाइडेशन भी होते हैं। जैसे बहुत टाइप के क्या होते हैं, डैमेज भी होते हैं। जैसे यहाँ पर डिवाइड किया गया है किस बेसिस पे, जैसे देखो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड या सिंगल बेस अल्ट्रेशन, यानी एक सिंगल बेस की क्या हो जाए, अगर मतलब चेंज हो जाए, एक सिंगल नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाए तो क्या होगा, सिंगल बेस अल्ट्रेशन। ठीक है, जिसके अंदर आएगा डीप्यूरिनेशन। डीप्यूरिनेशन मतलब कोई प्यूरिन अगर चेंज हो जाए, कोई क्या हो जाए, प्यूरिन अगर चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, डैमेज कहलाएगा। डीएमिनेशन बाय डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन टू यूरेसिन। डीएमिनेशन के अंदर बात करें तो जो साइटोसिन के अंदर अगर जो एमिन ग्रुप है वो अगर रिलीज हो जाता है, जैसे साइटोसिन होता है, साइटोसिन के पास एमीन ग्रुप होता है, वो एमीन ग्रुप अगर रिलीज हो जाता है, डीएमिनेट यानी बाहर निकल जाए, तो वो साइटोसिन किस में बदल जाता है, और यूरेसिल में बदल जाता है। जहाँ पर साइटोसिन की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर अब बन क्या रहा है, यूरेसिल ऐड हो रहा है, तो यूरेसिल ऐड हो रहा है तो वो डीएनए क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और कम्प्लीटली जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो क्या नहीं कर पाएगा, बना नहीं पाएगा। डीएमिनेशन ऑफ एडेनिन टू हाइपोक्सैंथिन, यानी अगर एडेनिन के अंदर क्या हो जाता है, एमीन ग्रुप डीएमिनेट हो जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है, तो क्या बन जाता है, हाइपोक्सैंथिन। इसको अपन स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे भी देखेंगे किस तरह से बनता है। एल्काइलेशन ऑफ बेस, बेस का क्या हो जाए, एल्काइलेशन हो जाए, यानी जो एल्किल ग्रुप है वो ऐड हो जाए या फिर रिलीज हो जाए, एल्काइलेशन ऑफ बेस। इंसर्सेशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड है वो इंसर्ट हो या फिर डिलीट हो वो क्या कहलाएगा, इंसर्सेशन ऑफ इंसर्सेशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लास्ट है सिंगल बेस अल्ट्रेशन में बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन। बेस एनालॉग का मतलब क्या होगा, एक सिंगल बेस होता है उसका मतलब बात करें, एनालॉग का मतलब क्या होगा कि जैसे उसकी नकल करने वाला ऐसा कोई कंपाउंड हो या ऐसा कोई न्यूक्लियोटाइड हो या ऐसा कोई जो कंपाउंड हो जो किसकी नकल कर रहा हो, किसी नाइट्रोजन बेस की क्या कर रहा हो, नकल कर रहा हो, और वो क्या हो जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए उस डीएनए के अंदर, तो वहाँ पर जहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ना चाहिए था वहाँ पर अब कौन जुड़ेगा, बेस एनालॉग, यानी जो नाइट्रोजन बेस के जैसा दिखने वाला है वो यहाँ पर क्या होगा, बाइंड होगा। तो ये क्या है, सभी सिंगल बेस अल्ट्रेशन। इसके अंदर देखें तो इनमें डैमेज किस तरह से होता है वो अलग अलग टाइप से भी अपन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें टू बेस अल्ट्रेशन, यानी दो बेस का क्या हो अगर चेंज हो, और ये कैसे होता है, यूवी लाइट इंड्यूस थायमिन थायमिन डाइमर।
यानी पायरामिडीन डाइमर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी जैसे मान लो कि ये कोई डीएनए है, यहाँ पर एडिनिन है, यहाँ पर एडिनिन है। अब यहाँ पर देखो ये एडिनिन के साथ थाइमिन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ना बनाकर, ये दोनों यहाँ पर डबल बॉन्ड ना बनाकर ये दोनों थाइमिन आपस में क्या बन जाती बन बना लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और बॉन्ड बनाने के बाद में जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, थाइमिन डाइमर। यानी थाइमिन थाइमिन आपस में क्या बन जाते हैं, बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, थाइमिन डाइमर का सिंथेसिस करते हैं। बायोफंक्शनल एल्कालाइटिंग एजेंट क्रॉस लिंकेज, यानी कुछ एल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं उनके द्वारा क्या बनता है, क्रॉस लिंक यानी क्रॉस लिंकेज बनता है। जैसे यहाँ पर मान लो ये वाला जो इसके साथ बाइंड हो गए, ये वाला इसके साथ बाइंड हो गया। अब यहाँ पर एडेनिन थाइमिन था लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मान लो गवानिन है, यहाँ पर साइटोसिन है। अब एडेनिन साइटोसिन के साथ बाइंड हो गया, गवानिन थाइमिन के साथ बाइंड हो गया, तो मतलब क्या हो गया, उनके बीच में क्रॉस लिंकेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें चेन ब्रेक। चेन की बात करें तो एक तो सिंगल चेन ब्रेक होता है, एक डबल स्ट्रैंड चेन ब्रेक होगा। मतलब एक तो सिंगल चेन का जो डीएनए का सिंगल चेन होता है उसके अंदर अगर ब्रेक होगा, ठीक है, यानी कुछ चेंज हो गया तो वो सिंगल चेन, दोनों चेन के अंदर ब्रेक होगा तो डबल चेन। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा होगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा होगा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ बैकबोन एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन, यानी कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ऑक्सीडेटिव होते हैं, उनके द्वारा क्या होगा, चेन का ब्रेक हो सकता है। लास्ट है क्रॉस लिंकेज, और क्रॉस लिंकेज के अंदर देखें तो बिटवीन बेस एंड सेम और अपोजिट स्ट्रैंड, यानी डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है उनके बीच में अगर क्या हो रहा है, क्रॉस लिंक हो रहा है। क्रॉस लिंक हो रहा है किसके, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस लिंक हो रहा है, तो वो कहलाएगा क्रॉस लिंकेज टाइप का। दूसरा बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, अगर डीएनए किसके साथ बाइंड कर रहा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा है, तो वो क्रॉस लिंकेज कहलाएगा बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो इनको चार इन बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, और भी टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट जो इनके टाइप्स पढ़ेंगे उनके बेसिस पे देखते हैं किस टाइप से इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अपन टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किस बेसिस पे, देखो यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक, यानी जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा ये क्या हो जाए अगर ब्रेक हो जाए, ये क्या हो जाए अगर ब्रेक हो जाए। अब ब्रेक भी दो टाइप से हो सकता है, ये देखो एक हो गया सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, ये क्या है डीएनए, और इस डीएनए का यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया हल्का सा जो इसका नाइट्रोजन बेस है या न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर चेंजेज आ गया, न्यूक्लियोटाइड यहाँ से रिलीज हो गई और यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक आ गया। अब ये सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है तो इसको क्या किया जाना चाहिए, रिपेयर किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पर ये रिपेयर नहीं होगा तो यहाँ पर जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो न्यूक्लियोटाइड था उसके अपोजिट, यहाँ उसके जो क्या नाम है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड था उसके जो अपोजिट में जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो उसका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्या होगा, जैसे ये कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए है, ये डीएनए ब्रेक हो जाए किसके अंदर, डबल स्ट्रैंड के अंदर, ये इस तरह से डीएनए का जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड के अंदर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, डबल स्ट्रैंड ब्रेक। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होगा, ऑक्सीजन का जैसे मतलब फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके द्वारा क्या होगा अगर डैमेज हो जाए, हाइड्रोलाइसिस हो जाए, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज। एल्कलाइटिंग बेस, बेस लॉस हो जाए, डीएनए क्रॉस लिंक हो जाए, वही है, बस इनको अलग नाम से जाना गया है लेकिन सेम वही है। अब देखते हैं एक एक किस तरह से क्या होता है। डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक की बात करें, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक क्या होगा, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक अकर व्हेन वन और बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए,
यानी डीएनए स्ट्रेन ब्रेक कब पाया जाएगा, यानी कब देखने को मिलेगा, जब या तो एक या फिर बहुत, यानी दोनों स्ट्रेंड ऑफ डीएनए, डीएनए के दोनों स्ट्रेंड या सिंगल स्ट्रेंड, आर इंटररेप्टेड, यानी दोनों के दोनों जो स्ट्रेंड या फिर सिंगल स्ट्रेंड क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या इनक्रप्टेड हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, डीएनए स्ट्रेंड ब्रेक कहलाएगा। देयर आर टू टाइप्स, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक SSB यानी सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, दूसरा वेयर वन स्ट्रैंड इज कट एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक, दूसरा DSB वेयर बोथ स्ट्रैंड आर कट, यानी सिंगल स्ट्रैंड के अंदर क्या होगा, ये कहें अपन तो यहां पर ये कोई डीएनए है, ठीक है, अगर ये सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कट लग रहा है, इसका इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कट लग रहा है तो ये कहलाएगा सिंगल स्ट्रैंड। अगर डीएनए ये कोई ओरिजिनल डीएनए है, इसके दोनों स्ट्रैंड के अंदर कट लग रहा है, इसके दोनों स्ट्रैंड के अंदर कट लग रहा है तो ये क्या कहलाएगा, डबल स्ट्रैंड ब्रेक। दीज ब्रेक कैन बी कॉज्ड बाय, देखो यहां पर ये बात, अब यहां पर कॉज्ड बाय यानी किसके द्वारा हो सकते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होती है आयोनाइजिंग, एक होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में देखिए तो मोस्टली आती है एक्सरेज एंड गामा रेज, एक्सरेज और गामा रेज किसके अंदर आती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर। और दूसरा अगर देखें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आती है, एक्सरेज हो गई, गामा रेज और यूवी रेज, यूवी रेज किसके अंदर आएगी, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। यानी अपन इसको डैमेज को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि डीएनए में डैमेज हो सकता है रेडिएशंस के द्वारा, यानी रेडिएशंस के थ्रू क्या हो सकता है, डीएनए में डैमेज हो सकता है। और रेडिएशंस की बात करें तो फिर दो टाइप की रेडिएशंस होंगी, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक जैसे एक्सरेज एंड गामा रेज और एज वेल एज क्रिएशन केमिकल, यानी कुछ केमिकल्स के द्वारा भी क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकता, ठीक है। तो यह समझ में आया कि डीएनए ब्रेक क्या होगा, SSB सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, DSB मतलब डबल स्ट्रैंड ब्रेक, और ये कॉज किसके द्वारा होगा, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड सर्टेन केमिकल्स, यानी कुछ केमिकल्स के द्वारा और आयोनाइजिंग रेडिएशंस के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसमें सिंगल स्ट्रैंड भी हो गया, डबल स्ट्रैंड भी हो गया। दूसरा अपन बात करें ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होगा कि ऑक्सीडेटिव डैमेज कैन अकर ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, यानी क्या होगा, किसी भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के एक्शन से विच लीड द फॉर्मेशन ऑफ लेसन, यानी वो किसी न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी, द हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन सच एज हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, यानी जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, हाईली ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है, कैन कोज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू DNA बेस, और DNA बेस को कौन सा डैमेज देता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज देता है। यहां पर शायद इसका एक डायग्राम होगा, यहां पर नहीं देखा, आगे अपन इसको और जैसे इसके कॉज के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस कारण से हो सकता है, तो वहीं पर भी अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा कि ऑक्सीडेटिव डैमेज किस तरह से होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव डैमेज की बात करें तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स होते हैं ऑक्सीजन के, और वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीएनए बेस होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, उनका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, ठीक है। यानी लेसन का मतलब क्या होता था, उनको तोड़ना या कट करना, उसे को क्या कहेंगे अपन, लेसन, तो ठीक है। तो विच लीड द फॉर्मेशन ऑफ लेसन, यानी डीएनए का क्या करेंगे, कट करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट टाइप के जो डीएनए की बात करें, एल्काइलेशन ऑफ बेस, बेस का एल्काइलेशन हो जाए,
एल्काइलेटिंग एजेंट इसमें क्या होंगे, मोस्टली यूज किए जाएंगे, बोथ एंड एंडोजीनस एंड एक्जोजीनस कैन मॉडिफाई डीएनए बेस बाय इंट्रोड्यूसिंग एल्काइल ग्रुप। यानी एल्काइल ग्रुप के इंट्रोड्यूस से क्या हो जाता है, जो एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे और उससे डीएनए क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। दीज मॉडिफिकेशन कैन बी साइटोटॉक्सिक, म्यूटाजेनिक और हैव न्यूट्रल इफेक्ट ऑन द सेल्स। ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी शो कर सकते हैं, म्यूटाजेनिक इफेक्ट भी शो कर सकते हैं और इफेक्ट यानी न्यूट्रल इफेक्ट भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। कौन, जो एल्काइल ग्रुप अपन ने एल की ऐड किया है, एल्किल ग्रुप ठीक है ऐड किया है, वो यहाँ पर क्या कर सकता है, साइटोटॉक्सिक मतलब सेल्स को पूरों को क्या कर सकता है, हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है। म्यूटाजेनिक यानी कुछ म्यूटेशन कॉज कर सकता है, या फिर न्यूट्रल इफेक्ट यानी कुछ इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ये क्या होते हैं, एल्काइलेशन कर देते हैं बेस का, और बेस का एल्काइलेशन करने के बाद में जो डीएनए की जो नाइट्रोजन बेस का जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेस लॉस। बेस लॉस का मतलब सीधा सा निकल रहा है, कोई भी नाइट्रोजन बेस क्या हो जाए, अगर लॉस हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन बेस अगर लॉस हो गया तो नाइट्रोजन बेस लॉस होने पर जब उस डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए बनने के बाद जहां पर डीएनए का जो नाइट्रोजन बेस लॉस हुआ है वहां पर एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो जैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, कुछ भी जो नाइट्रोजन बेस का म्यूटेशन हो गया वहां से एस्केप हो गया, तो वहां पर जो अमाइनो एसिड्स बनेंगे वो अनदर टाइप के अमाइनो एसिड्स बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, बेस लॉस अकर व्हेन द नाइट्रोजिनस बेस इन डीएनए आर रिमूव्ड। बेस लॉस क्या होगा, कब पाया जाएगा, व्हेन द नाइट्रोजिनस बेस इन डीएनए आर रिमूव्ड। यानी जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं प्यूरिन एंड पायरामिडिन, वो डीएनए के अंदर क्या हो जाए, अगर रिमूव हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, बेस लॉस कहलाएगा। लिविंग बिहाइंड ए प्यूरिनिक एंड ए पायरामिडिन, यानी ए प्यूरिनिक और पायरामिडिन को अपन कह सकते हैं एपिसाइट, और ये एपिसाइट्स अपन जब रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ेंगे उस समय काम में आएगी। एपिसाइट्स के ऊपर स्पेसिफिक क्या होगा, एंजाइम्स बाइंड होगा। तो यानी लीविंग बिहाइंड, यानी कुछ भी अगर नाइट्रोजन बेस लीव हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ए प्यूरिनिक एंड ए पायरामिडिक साइट्स और ए बेसिक साइट्स, उसको क्या कहेंगे अपन, एक एपिसाइट्स और बेसिक साइट्स। एपिसाइट्स आर केमिकली अनस्टेबल एंड कैन लीड टू डीएनए स्ट्रेन ब्रेक और म्यूटाजेनिक इवेंट इफ लेफ्ट अनपेयर्ड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो एपिसाइट्स होती हैं, एपिसाइट्स का मतलब क्या होगा, जहां पर प्यूरिन या पायरामिडिन क्या हो जाए, लीव हो जाए यानी बाहर रिलीज हो जाए, उसके बाद में उस साइट को क्या कहा जाएगा, एपिसाइट। और ये क्या हो जाएगा, एपिसाइट आर केमिकली अनस्टेबल, ये क्या होती है, केमिकली अनस्टेबल होती है एंड कैन लीड द डैमेज स्ट्रैंड ब्रेक, और डीएनए के जो डैमेज स्ट्रैंड होते हैं उनके ब्रेक को क्या करती है, लीड करती है, और म्यूटाजेनिक इवेंट इफ लेफ्ट अनरिपेयर्ड, अगर उसको रिपेयर नहीं किया जाएगा, अनरिपेयर होगा तो अनरिपेयर होने के कारण उसके अंदर म्यूटाजेनिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोर्थ टाइप का था बेस लॉस, जिसमें प्यूरिन बेस भी हो सकता है और पायरामिडिन बेस भी हो सकता है। नेक्स्ट है डीएनए क्रॉस लिंकिंग। नेक्स्ट है डीएनए क्या, क्रॉस लिंकिंग। डीएनए क्रॉस लिंकिंग अकर व्हेन टू न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए बिकम कॉनवेलेंटली लिंक्ड टुगेदर। ठीक है, यानी डीएनए क्रॉस लिंक्स कब पाया जाएगा, जब दो न्यूक्लियोटाइड
जो डीएनए के अंदर कॉन्वेंटली लिंक्ड हो जाए, यानी दोनों आपस में क्या हो जाए, क्रॉस लिंक्ड हो जाए। क्रॉस लिंक्ड कैन फॉर्म विथ इन द सेम डीएनए स्ट्रेन, उसे कहेंगे इंट्रा स्ट्रेन क्रॉस लिंक। जैसे ये वाला जो डीएनए स्ट्रेन है, इस डीएनए स्ट्रेन के अंदर यहाँ पर थाइमिन और यहाँ पर एडेनिन मान लो, ये आपस में क्या हो गया, क्रॉस लिंक्ड हो गया, तो ये कहलाएगा इंट्रा स्ट्रेन क्रॉस लिंक। दो वर्ड होते हैं, देखो जब भी बहुत जगह यूज होते हैं ये दोनों वर्ड्स, इंट्रा और इंटर। दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होगा, इंट्रा का मतलब क्या होता है, जैसे सेम। इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेम। इंटर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। यानी अपन कहें अगर सेम स्ट्रेंड, जो डीएनए का ये वाला स्ट्रेंड था, ये सेम स्ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा हो, अगर क्रॉस लिंक हो रहा हो, आपस में ये लिंक बना रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रा स्ट्रेंड क्रॉस लिंक। और बिटवीन अपोजिट डीएनए स्ट्रेंड, यानी दोनों अपोजिट डीएनए स्ट्रेंड, यहाँ पर ये मान लो ये ग्वानिन, ये साइटोसिन, ये साइटोसिन, ये ग्वानिन, यहाँ पर इस तरह से अगर क्रॉस लिंक बना रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, इंटर स्ट्रेंड क्रॉस लिंक। डीएनए क्रॉस लिंक्स प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रेंड, ये क्या करता है, डीएनए जो क्रॉस लिंक होता है प्रिवेंट करता है द सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रेंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो वो हाइड्रोजन ब्रेक को, हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं हेलिकेज के द्वारा, तो यहाँ पर वो ब्रेक नहीं होने देता। यानी डीएनए जो क्रॉस लिंक है वो प्रिवेंट करता है सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रेन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन लीडिंग टू द डिसरप्शन ऑफ इम्पोर्टेंट सेलुलर प्रोसेस। यानी क्या कह रहा है कि जो डीएनए क्रॉस लिंक होगा, सबसे पहले देखो ऊपर, जो डीएनए क्रॉस लिंक होगा वो कोवेलेंटली, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में बॉन्ड बन जाएगा, यानी जुड़ जाएंगे। नॉर्मली अपने को पता है कि जब नाइट्रोजन बेस आपस में, डीएनए के दोनों स्ट्रेंड यहाँ पर देखे, तो ये नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ये ग्वानिन, ये साइटोसिन, ये ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन। अब यहाँ पर देखें तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये देखें तो ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये देखें तो ये भी तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये देखें तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अब यहाँ पर ये आपस में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस के बीच में बन रहा है। अब यहाँ पर जब क्रॉस लिंक होगा तो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब एक तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड इजिली ब्रेकबल नहीं हो सकते, तो यहाँ पर जो कोवेलेंटली बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, फिर वो क्या करता है, जो डीएनए क्रॉस लिंक्ड होता है वो प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रेंड को। यानी जब डीएनए आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड हो जाएगा तो उसको सेपरेशन करना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दोनों के दोनों क्या होगा, स्ट्रेंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं हेलिकेज के द्वारा, तो वहाँ पर वो ओपन नहीं होंगे, और ओपन नहीं होंगे तो देखो रेप्लिकेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और लीडिंग करेगा ये किसको, डिसरप्शन ऑफ इम्पोर्टेंट सेलुलर फंक्शन। यानी कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट सेलुलर फंक्शन है उसको क्या कर देगा, डिसरप्शन कर देगा, यानी डैमेज कर देगा। ठीक है, तो ये वाला जो डैमेज था वो था डीएनए क्रॉस लिंकिंग। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करेंगे अपन, देखो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा ये अपने टाइप्स की बात कर लिए। अब टाइप्स होने के बाद में दूसरा अपन बात करते हैं
कोज ऑफ म्यूटेशन या कोज ऑफ अपन कहे डीएनए डैमेज, यानी डीएनए डैमेज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो होगा एंडोजीनस और एक होता है एक्जोजीनस। यहाँ पर देख लो, जनरली ये वाला डायग्राम बता रहा है कॉमन कोज, नॉर्मली जो कॉमन कोज ऑफ डीएनए डैमेज जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं, कॉमन कोज। कॉमन कोज में देखोगे तो यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए तो अपने सबसे पहले अपन देखिए कॉमन कोज ऑफ डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज के क्या क्या कॉमन कोज हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये डीएनए दे रखा है, रेप्लिकेशन स्ट्रेस, यानी ड्यूरिंग रेप्लिकेशन कुछ डैमेज हो सकते हैं। जैसे देखे तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे बेस सब्सटीट्यूशन हो सकता है, यानी कई बार डीएनए पॉलीमरेज होता है वो मिसमैच रिपेयर कर देता है, यानी जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है ना उसके अंदर गलत न्यूक्लियोटाइड कई बार क्या हो जाता है ऐड कर देता है, तो वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के द्वारा क्या कर देता है, उसको ठीक कर देता है। लेकिन मान लो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के द्वारा वो क्या नहीं हो, प्रॉपर ठीक नहीं हुआ हो, तो वो डीएनए क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और डैमेज किस कंडीशन में हो रहा है, कौन सी कंडीशन में हो रहा है, रेप्लिकेशन कंडीशन में हो रहा है। इसी में रेप्लिकेशन में टोपो आइसोमेरिज है वो भी क्या करता है, डैमेज करता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहला रेप्लिकेशन स्ट्रेस। रेप्लिकेशन स्ट्रेस में देखो बेस मिसमैच, यानी यहाँ पर एडेनिन होना था और जुड़ना क्या चाहिए था, थाइमिन, लेकिन जुड़ गया क्या, गवानीन, तो यहाँ पर क्या हो गया, बेस मिसमैच हो गया। दूसरा देखो ऑक्सीजन रेडिकल्स, जो अपन ऑक्सीडेटिव एजेंट्स की बात की थी अभी, तो ऑक्सीजन रेडिकल्स यानी फ्री रेडिकल्स के द्वारा क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात की थी तो एक्सरेज और गामा रेज, और कीमोथेरेपिटिक्स यानी जो टैबलेट्स अपन लेते हैं, जैसे कई बार जो कीमोथेरेपी होती है उसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, तो वैसे ही और ज़्यादा जो कीमोथेरेपी होती है या फिर जो अपन बात करें कीमोथेरेपिटिक्स, उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है। और उनके द्वारा, इनके द्वारा ऑक्सीजन रेडिकल्स के द्वारा, आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा, कीमोथेरेपिटिक्स के द्वारा यहाँ पर जो ब्रेक होगा वो होगा, डैमेज होगा किस टाइप का, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, यानी जो यहाँ पर एक स्ट्रैंड क्या होगा, ब्रेक होगा। दूसरा देखिए आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर क्या आ जाएगा, वही एक्सरेज और गामा रेज, ठीक है। कीमोथेरेपिटिक्स के द्वारा, इनके द्वारा और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे डैमेज हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकता है। देखो यहाँ पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। और यहाँ पर इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक हुआ है, यहाँ पर कौन सा क्रॉस लिंक हुआ है, जो अपन ने टाइप्स की बात की थी, अब ये टाइप्स को कौन कोज कर सकता है, तो कौन कोज कर सकता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस में हो सकता है, ऑक्सीजन रेडिकल्स, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, कीमोथेरेपिटिक्स, ठीक है, यूवी लाइट यानी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आयोनाइजिंग रेडिएशंस और कीमोथेरेपी, यानी आयोनाइजिंग रेडिएशंस से सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक भी हो सकता है, इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक, यहाँ पर देखो ये अलग स्ट्रैंड है, ये अलग स्ट्रैंड है, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस लिंक बनता है तो वो कहलाएगा इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक। दूसरा अपन बात करें यूवी लाइट, ठीक है, यूवी लाइट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कुछ केमिकल्स हो सकते हैं और यूवी लाइट्स के द्वारा क्या होता है, डीएनए डैमेज हो सकता है। यहां पर देखोगे तो बल्क एडिक्ट यानी बल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, इंट्रा स्ट्रैंड क्रॉस लिंक, यहां पर ये आपस में ही क्या हो रहे हैं,
को बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर हो गया थाइमीन डाइमर का क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये बात थी, ये किसकी बात थी, कॉमन कोज, यानी नॉर्मली जो कॉमन कोज क्या क्या हो सकते हैं डीएनए डैमेज के। अब इन्हीं कोज को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, यानी जो कॉमन कोज थे वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें कॉमन कोज की, कोज की बात कर सकते हैं अपन। यहां पर देखोगे तो सोर्स, सोर्स या एजेंट ऑफ डीएनए डैमेज, या अपन कह सकते हैं कोज ऑफ डीएनए डैमेज, कोज ऑफ डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उनमें दो कारण आते हैं मेन, एंडोजीनस और एक्सोजीनस कोज। यानी एंडोजीनस क्या होगा, जो डीएनए है उसके खुद के अंदर ही क्या हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, एंडोजीनस, यानी अंदर की तरफ, यानी डीएनए के खुद के अंदर ही अगर चेंजेस आ रहा है तो वो एंडोजीनस एरर होगा। दूसरी बात करें एक्सोजीनस, यानी बाहर से अपन बात करें केमिकल एजेंट के द्वारा, फिजिकल एजेंट के द्वारा अगर इनका क्या हो रहा हो, कोज हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोजीनस, ठीक है, एरर। यहां पर इसको दूसरा नाम अपन कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस एरर और इंड्यूस एरर। ये क्या होते हैं, लगातार चलते रहते हैं, जब भी रेप्लिकेशन होता रहता है तब भी चलते रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं लगातार, और ये इंड्यूस होते हैं। इंड्यूस होते हैं मतलब बाहर से कोई केमिकल होगा, कोई फिजिकल फिजिकल एजेंट होगा उनके द्वारा, जैसे रेडिएशंस के द्वारा, क्रॉस लिंक के द्वारा, बेस एनालॉग के द्वारा, इनके द्वारा ये क्या होता है, इंड्यूस एरर जनरेट होगा। तो सोर्स की बात करें या एजेंट की बात करें या कोज की बात करें डीएनए डैमेज के, तो वो एंडोजीनस कोज होगा और एक्सोजीनस कोज होगा। अब इनमें से एंडोजीनस कोज और एक्सोजीनस कोज को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें अपन एंडोजीनस या फिर स्पॉन्टेनियस एरर। और एंडोजीनस में क्या होगा कि डीएनए के खुद के अंदर की तरफ क्या होगा, चेंज होगा। और एंडोजीनस की बात करें तो एंडोजीनस में सबसे पहला जो एरर अपन बात करेंगे वो है एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या आ जाए, अगर एरर आ जाए, यानी डीएनए रेप्लिकेशन जब क्या कर रहा हो रहा हो, उस समय क्या हो जाए, अगर एरर हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहला देखो, इसमें दो टाइप से अपन एरर देख सकते हैं, पहला बेस सब्स्टिट्यूशन, दूसरा स्लिपेज एरर। दो एरर हो सकते हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन एरर या फिर स्लिपेज एरर। बेस सब्स्टिट्यूशन और स्लिपेज एरर कैसे होंगे, देखो यहां पर बात करें बेस सब्स्टिट्यूशन की, तो बेस सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला है, यानी फर्स्ट है ट्रांजेक्शन और सेकंड है ट्रांसवर्जन। ये अपन ने पहले भी बात की थी, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्यूरीन और प्यूरीन ही चेंज कर दे दूसरे प्यूरीन को, यानी अगर प्यूरीन से प्यूरीन क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो वो क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा। यानी कह दे कि यहां पर मान लो प्यूरीन में क्या आते हैं, एडिनिन और गवानिन, अगर मान लो यहां पर एडिनिन थायमिन था, यहां पर एडिनिन था, अब यहां पर एडिनिन जुड़ना चाहिए था लेकिन एडिनिन की जगह क्या जुड़ गया, गवानिन जुड़ गया, तो यहां पर क्या हो गया, एडिनिन हटके वहां पर गवानिन जुड़ गया, तो मतलब प्यूरिन प्यूरिन ट्रांजेक्शन हुआ, यानी प्यूरिन ने प्यूरिन को क्या कर दिया, ट्रांजेक्शन कर दिया, यानी वहां पर चेंज कर दिया। दूसरा अगर बात करें ट्रांसवर्जन की, तो ट्रांसवर्जन कहेंगे अपन प्यूरिन को किसमें, किसने ट्रांसफर किया, पायरामिडिन में। प्यूरिन को किसने ट्रांसफर किया, पायरामिडिन में, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं ट्रांजेक्शन और ट्रांसवर्जन, प्यूरिन को प्यूरिन में चेंज, प्यूरिन को पायरामिडिन में चेंज।
इसको फर्स्ट में देखें तो अपन सबसे पहला इसमें जो है ए, यानी बेस सब्स्टिट्यूशन की बात करें, बेस सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो बेस सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि बेस सब्स्टिट्यूशन में बेस का क्या होगा, चेंज होगा, दो कंडीशन आएंगी, ट्रांजेक्शन और ट्रांसवर्जन। और बेस सब्स्टिट्यूशन में देखें तो मान लो कि अपने पास कोई सीक्वेंस है, किस तरह से होगा ये अपन देखते हैं कि मान लो अपने पास कोई डीएनए की सीक्वेंस है, स्ट्रैंड है, ये यहां पर आ गया सी जी ए जी टी, और इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, सी के अपोजिट में गवानिन, गवानिन के अपोजिट में साइटोसिन, एडेनिन के अपोजिट में थायमिन, थायमिन के अपोजिट में गवानिन, के अपोजिट में साइटोसिन, साइटोसिन के अपोजिट में एडेनिन। ये डीएनए है कोई, और ये पेरेंट डीएनए क्या है, पेरेंट डीएनए। अब इस पेरेंट डीएनए में बेस सब्स्टिट्यूशन को अपने को पढ़ना है। अब इस पेरेंट डीएनए में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। और रेप्लिकेशन का अपन बात करें फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन, फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन की बात करें, और फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन में मान लो नीचे वाला जो ऊपर वाला जो वो है पेरेंट स्ट्रैंड है, जैसे यहां पर मान लो सी जी ए जी टी, जो सी जी ए जी टी है यहां पर ये वाला स्ट्रैंड होगा जी सी टी सी ए, ये क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है, पेरेंट डीएनए। अब पेरेंट डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन का जब फर्स्ट राउंड होगा तो हेलिकेज एंजाइम्स के द्वारा ये इनको क्या होगा, ओपन करेगा। और अपने को पता है जब भी डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है, और यहां पर ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करेगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब सेपरेट होने के बाद में यहां पर देखो, यहां पर न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बनेगा, तो न्यूली सिंथेसाइज मान लो यहां पर साइटोसिन बन गया, यहां पर गवानिन बन गया, यहां पर एडिनिन बन गया, यहां पर गवानिन बन गया, यहां पर थायमिन बन गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इस वाले जो टेम्पलेट डीएनए था इसके अंदर कोई एरर नहीं आया, इसमें एरर आ गया, गवानिन जुड़ा, साइटोसिन जुड़ा, लेकिन एडिनिन के जगह क्या जुड़ना चाहिए था, थायमिन जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर थायमिन की जगह क्या जुड़ता है, गवानिन जुड़ता है, और ये ही क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। समझ में आई बात, यहां पर बेस सब्स्टिट्यूशन में अपन पढ़ रहे हैं कि बेस सब्स्टिट्यूट हो रहा है किस तरह से, जैसे मान लो कि यहां पर जुड़ना क्या चाहिए था, एडिनिन की जगह थायमिन जुड़ना चाहिए था, लेकिन थायमिन की जगह क्या जुड़ गया, गवानिन जुड़ गया। और यहां पर तुम देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि यहां पर ट्रांजेक्शन हो रहा है या ट्रांसवर्जन हो रहा है, यहां पर ट्रांजेक्शन होगा या ट्रांसवर्जन होगा। जब तुम यहां पर देखोगे तो यहां पर पहले होना क्या चाहिए था, थायमिन होना चाहिए था, और थायमिन क्या होता है, पायरामिडिन है, और ग्वानिन ऐड हो रहा है तो प्यूरिन, यानी पायरामिडिन की जगह क्या आ रहा है, प्यूरिन आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ट्रांसवर्जन होगा। ठीक है, अब यहां पर तो फर्स्ट राउंड की बात कर लिए थे, अब सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में देखो, सेकेंड राउंड में ये तो क्या होगा, दोनों के दोनों सेपरेट होंगे, सेम बनाएगा, इसमें तो कुछ डैमेज नहीं होगा, लेकिन ये जब क्या करेगा, सेकेंड राउंड बनाएगा, यानी सेकेंड राउंड रेप्लिकेशन करेगा। अब सेकेंड राउंड रेप्लिकेशन में देखो कि सेकेंड राउंड रेप्लिकेशन में पेरेंट की तरह कार्य करेगा कौन, जैसे ये वाला स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड है, यहां पर अपन ने बात की है, ये वाला स्ट्रैंड सी जी ए जी, ये जो स्ट्रैंड है ये पेरेंट की तरह कार्य कर रहा है, और यहां पर इसके जो न्यूली सिंथेसाइज अलग से बना लेंगे अपन, लेकिन यहां पर ये पेरेंट की तरह कार्य करेगा।
यहाँ पर जी सी और यहाँ पर जी सी ए, यहाँ पर ये पेरेंट की तरह कार्य करेगा। यानी ये जो भी इसमें सेकेंड राउंड में रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों स्टेंट क्या होंगे, ओपन होंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो ये तो सेम रहेगा, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थायमिन की जगह गवानिन ऐड हो गया, और गवानिन ऐड होने से यहाँ पर देखो अब जो सेकेंड राउंड में बनेगा गवानिन साइटोसिन थायमिन साइटोसिन और एडिनिन। अब यहाँ पर देखोगे साइटोसिन गवानिन और थायमिन। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, थायमिन एडिनिन होना चाहिए था, लेकिन है क्या साइटोसिन गवानिन। तो यहाँ पर एक सिंगल बेस में क्या देखने को मिला है, सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला है, और ये जो कोज होता है ये होगा मतलब ट्रांसवर्जन का। तो समझ में आया किस तरह से ट्रांसवर्जन होता है, किस तरह से देखो ट्रांसवर्जन होगा। ठीक है, किस तरह से देखो ट्रांसवर्जन होगा, यहाँ पर अपने बेस सब्स्टिट्यूशन की बात करी, ये अपना पेरेंट डीएनए था, ये पेरेंट डीएनए था, यहाँ पर क्या था फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पर सेकेंड राउंड रेप्लिकेशन। अब सेकेंड राउंड में ये पेरेंट की तरह कार्य करेंगे दोनों के दोनों, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है वो ही क्या हुए, चेंज हो गए। और यहाँ पर जब ये दोनों ही क्या हो गए, चेंज हो गए, तो तुम्हें यहाँ पर दोनों के दोनों ही क्या हो गए, चेंज हो गए, तो यहाँ पर नया नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया, और यही क्या कहलाता है, बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन इसमें बात करें, सेकंड की अपन बात करें तो सेकंड क्या था, स्लीपेज एरर। सेकेंड क्या था, स्लीपेज एरर। अब देखो स्लीपेज एरर, और ये अपन ने दो बात की थी, एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, यानी ये दोनों एरर कहाँ पर आएंगे, रेप्लिकेशन में आएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में। जब रेप्लिकेशन हो रहा होगा तब, क्योंकि यहाँ पर देखो रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन में एरर आ गया, तो पूरा का पूरा जो चेंज हो गया, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही चेंज हो गया। अब इसको इसी समय यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। अगर इस समय इसको रिपेयर नहीं किया गया तो ये म्यूटेशन हो जाएगा, और म्यूटेशन हो गया तो गलत प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, और गलत प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा तो क्या होगा, एक अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब दूसरा अपन बात करें स्लीपेज एरर। स्लीपेज एरर क्या होगा, देखो ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब अपन ने डीएनए की अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। डीएनए की क्या पढ़ी थी, अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, तब भी अपन ने क्या पढ़ा था, स्लिपेज एरर पढ़ा था। स्लिपेज वहां पर पढ़ा था कि मान लो ये कोई डीएनए का स्ट्रेन है, ये कोई डीएनए का स्ट्रेन है, यहां पर मान लो ये रिपीटेड सीक्वेंस है, बहुत ज्यादा क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस है। थायमिन एडिनिन क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस है, और यहां पर मान लो कि इस स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है, इस स्ट्रैंड पर क्या जुड़ा हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है। अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है, अब ये देख रहा है कि यहां पर बार बार वो ही सेम सीक्वेंस आ रही है, और डीएनए पॉलीमरेज लगातार उसको कॉपी कर रहा है, लेकिन किसी कारण से यहां पर डीएनए पॉलीमरेज क्या हो जाए, स्लिप हो जाए। यहां पर क्या हो गया, डीएनए पॉलीमरेज अगर क्या हो जाए, स्लिप हो जाए, और स्लिप होने के बाद में जैसे यहां पर थायमिन एडिनिन रिपीटेड सीक्वेंस है, अब यहां पर इसने नया वो बना लिया, एटी 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 इतना क्या बना लिया था, नया स्ट्रेन बना लिया था, लेकिन अब देखोगे तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर स्लीप हो गया,
और स्लीप होने के बाद में यहाँ पर इसने मतलब ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है। अभी यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है। यहाँ पर TATA सीक्वेंस है, यहाँ पर ये न्यूली पॉलीमराइज यहाँ पर आ गया, पॉलीमराइज यहाँ पर आ गया और ये नया स्ट्रैंड बना रहा है, 80 80 80 80 नया सीक्वेंस बन रहा है। अब ये स्लिप होगा यहाँ पर, अगर ये क्या हो जाए, स्लिप हो जाए, मान लो यहाँ से इसकी पॉलीमराइज एक्टिविटी कुछ समय के लिए रुक जाए, स्लिप हो गया। अब ये स्लिप होने के बाद में ये दोबारा से, ये क्या होगा, स्लिप होने के बाद में ये दोबारा से क्या करेगा कि ये जो स्ट्रैंड था, ये क्या था, स्ट्रैंड था डीएनए का, थायमिन एडिनिन था। अब ये क्या करेगा कि इसने यहाँ तक तो कर लिया था, अब ये यहाँ से क्या हो गया, स्लिप हो गया, यहाँ पर मान लो स्लिप हो गया डीएनए पॉलीमरेज स्लिप बैक, यहाँ पर इसने क्या किया, थोड़ा सा स्लिप हो गया। अब ये स्लिप होने के बाद में इसको पता नहीं है कि इसने कहाँ से रोकना स्टार्ट किया था, यानी इसको ये पता नहीं। अब मान लो यहाँ से ये कुछ समय के लिए स्लिप हो गया, अब स्लिप हो गया तो इसको ये पता नहीं है कि इसने कितने न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमराइजेशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस है। और यहाँ पर स्लिप होने से वो वापस क्या करेगा, पीछे की तरफ बाइंड होगा, और जब पीछे की तरफ बाइंड होगा तो जो न्यू पॉलीमरेज थे वो अब क्या बनेगा, लूप का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है 80 80 80, ये एक्स्ट्रा जो इसने पॉलीमरेज किया था वो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, और वापस से फिर वो क्या करेगा, पॉलीमरेज करेगा। और ये जनरली कहाँ पर देखने को मिलता है, टीलोमेरिक एंड्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, टीलोमेरिक एंड के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बात करें टीलोमेरिक एंड के ऊपर क्या करेगा, देखने को मिलेगा। और ये क्या हो गया, स्लिप हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, डीएनए क्या हो गया, स्लिप्ड डीएनए कहलाएगा। तो इस तरह से ये भी डीएनए के अंदर क्या हो जाएगा, डैमेज कोज करेगा, कब, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के समय भी डीएनए के अंदर क्या होता है, डैमेज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जैसे रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन के बारे में फर्स्ट जो अपना एंडोजीनस जो अपन रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, एंडोजीनस एरर पढ़ रहे थे, उसमें एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन में दो टाइप का एरर था, बेस सब्स्टिट्यूशन और स्लिपेज एरर, ये अपने दोनों के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टोपो आइसोमरेज मीडिएटेड डीएनए डैमेज, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है।